नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो डेटा भेजा गया है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये भर्ती फिर से सुनने में आ रहा है कि डिले होने वाला है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्र AGTA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, इस बार उन्हें किसी भी तरह से इसमें सिलेक्शन लेना है, जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर पोर्शन कंप्लीट करेंगे और जो भी जेन्युइन अपडेट होगा वो आपको इस चैनल पर पहले प्रोवाइड कराया जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी छात्र पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग चैनल से जुड़ें और जो क्लासेज हो चुकी हैं उसको एक बार विजिट कर लें। जो नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है वो नोट्स आप लोग चेक कर लीजिए। लिंक जो है हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जा रहा है। ओके, तो बिना किसी देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आज की न्यूज़ है इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, हेडलाइन बनी है कि डेटा भेजने के बाद फाइल नहीं खुली, फंसी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती परीक्षा 2013 के 906 अभ्यर्थियों का जो डेटा है वो UP SSC को भेज दिया है, लेकिन जिस फॉर्मेट में यह डेटा भेजा गया है उसकी फाइल NIC लखनऊ में नहीं खुल रही है। अब मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग से ये परे है एकदम से। मुझे मुझे इस न्यूज़ पे भरोसा नहीं हो रहा है कि जिस डेटा के लिए काफ़ी सारे छात्रों ने पिछले कई महीने भागदौड़ की, संघर्ष किया, धूप में खड़े होके दिन भर भूखे प्यासे रह के वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया और अंत में डेटा भेजा भी गया, तो ये क्या एक्सक्यूज़ निकल के आ रहा है कि जो डेटा भेजा गया है वो खुल नहीं रहा है? बिल्कुल भी समझ के परे है। और कहाँ पे नहीं खुल रहा है? NIT में नहीं खुल रहा है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बैठे रहते हैं और यहाँ पर ये फाइल नहीं खुल रही है। पता नहीं इन्होंने कौन सा इंस्क्रिप्शन लगा दिया है, कौन सा सिक्योरिटी कोड डाल दिया है कि वो फाइल ही नहीं खुल रही है। और जब UPSC को पता था कि भैया ये खतरनाक वाली फाइल हम भेज रहे हैं, वहाँ पे दिक्कत होगा, तो एक बार संपर्क कर लो कि भाई ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे कर लो, फाइल खुल जाएगी आपकी। ये भी आप नहीं कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि न्यूज़ निकाल दो, बच्चों को परेशान कर दो, 1-2 महीने भर्ती लंबित कर दो, ये आप कर सकते हो। किसी तरह से एक सूचना देंगे कि फाइल कैसे खोलनी है, इस पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। UP SSC आयोग ने किसी भी तरह से कोशिश नहीं की। अगर ये कोशिश करते, एक बार कॉन्टैक्ट करते, ठीक है, कॉन्टैक्ट होता है पर्सन टू पर्सन, जो यहाँ पे IT सेल डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन नहीं करना है, ठीक है, इनको ये करना है कि भर्ती अभी डिले होगी, भर्ती फंसी, इनको भी ये करना है और बच्चों को परेशान करना है। अब फिर से बच्चे जाएं, धरना दें, कृषि निदेशालय भागें, एक तो ये प्रॉब्लम है कि आप कहाँ पे धरना दो ये भी नहीं कन्फर्म है। आप UP SSC आयोग पे धरना दो, कि आप कृषि निदेशालय पे जाके धरना दो, कि आप UPPCS भवन जाके धरना दो, कहाँ धरना दो पता नहीं है, ठीक है, कहाँ दौड़ के जाओ। आधे बच्चे यहाँ भाग के जाएंगे, आधे बच्चे वहाँ भाग के जाएंगे, एकता हो नहीं पाएगी, यूनिटी हो नहीं पाएगी, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर ट्विटर कैंपेन कर लो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होने वाला है। ट्विटर कैंपेन से इस भर्ती में कुछ नहीं होने वाला है। ट्विटर कैंपेन वहाँ काम करता है जहाँ पे लाखों बच्चे यूनाइट हो जाएं। जैसे आपका PET की परीक्षा हो गई, ठीक है, SSC की परीक्षा हो गई, ये परीक्षा ऐसे हैं जहाँ पे लाखों अभ्यर्थी होते हैं और एक दिन में सारे बच्चे इकट्ठे होके यहाँ पे ट्वीट करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर पोर्शन में आधे बच्चों को पता नहीं है, आधे बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, और आधे उतना उनको उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो यही है कि हाँ, जब भर्ती आएगी तब फॉर्म डालेंगे, बाकी देखा जाएगा, इस टाइप से एग्रीकल्चर वाले। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका सिर्फ एक उपाय है कि जाकर शांतिपूर्वक तरीके से UP SSC भवन पर ही, ठीक है, यहीं लखनऊ में ही यहाँ पे धरना दिया जाए। और धरना का मतलब ये है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमें क्लियर वीक नहीं बता देंगे कि इस हफ्ते ये वैकेंसी आ जाएगी, ये आप क्लियर कर दीजिए, लिखित दे दीजिए, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस डेट को आएगी, क्योंकि डेट बताना संभव नहीं है। भाई आपने 5 तारीख बताया, 5 तारीख को नहीं आया तो आप ऑलरेडी परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीक ही कंफर्म कर दीजिए कि इस वीक वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है, ये तो आप कंफर्म कर सकते हो। बाकी रही बात, ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। अभी हमने इसको पढ़ा भी नहीं, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि अब UP SSC ने निर्धारित फॉर्मेट UPPSC से मांगा है। तो अभी तक मतलब मांगा है, ये एडिटोरियल आया कहाँ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं खुल रहा था, नहीं ओपन हो रहा था, आप मांग लेते अंदर अंदर से, सारी चीज़ें क्लियर कर लेते। ये एडिटोरियल देके आप ये बेस बना रहे हो कि ये वैकेंसी डिले हो जाए, ये चीज़ गलत है।
राष्ट्रीय कृषि छात्र संघ के महासचिव आशुतोष कुमार त्रिपाठी का कहना है कि उन्होंने यूपी SSC के अफसरों से फोन पर बातचीत की है। संशोधित फॉर्मेट में डेटा जल्द भेजने का आश्वासन मिला है, लेकिन डेटा नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से नई भर्ती फंसी हुई है। ठीक है, अब देखिए यही सारी चीज़ें हैं और ये न्यूज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। काफ़ी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एक बार मनोबल किसी तरह से बढ़ता है, नहीं नहीं अब पढ़ना है, अब पढ़ना है, वो क्या होगा? ऐसे न्यूज़ से तो उनका मनोबल टूटेगा। 2 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर क्या होगा? वो रेगुलरिटी नहीं रहेगी ना, तो जब रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो फिर पढ़ेंगे कहाँ से, सिलेक्शन कहाँ से लेंगे? तो ये न्यूज़, ये एडिटोरियल ऐसा है कि जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन फिर भी मुझे बताना उचित लगा, क्योंकि भाई मेरा काम है अपडेट देना और बहुत सारे बच्चे लगातार पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। और बाकी जो बच्चे नए हैं, अपडेट पहले प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी न्यूज़ होती है उसको निकालना चाहते हैं, प्लस आगे की जो कार्यवाही होगी, हमें धरना प्रदर्शन कब करना है? देखिए, इसी महीने के लास्ट तारीख तक, यानी कि 30 जुलाई के पहले ही एक डेट निर्धारित किया जाएगा, ठीक है, जिसपे सारे छात्र यूपी SSS भवन पर इकट्ठे होंगे और अपनी बात शांतिपूर्वक करेंगे और वहाँ पे कन्फर्मेशन लेंगे कि हाँ इस वीक वैकेंसी आएगी, तभी वहाँ से हटना है। अदरवाइज कन्फर्मेशन अगर आपने नहीं लिया, ये आश्वासन मिलेगा कि हाँ ये वैकेंसी आएगी, आप लोग परेशान मत हो, 2023 पेट के माध्यम से, 2022 पेट के माध्यम से ही आएगी, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप वीक बताइए, किस वीक को आप ये वैकेंसी निकालेंगे, ठीक है, ये चीज़ हमें वहाँ से निकालना है किसी तरह से। बाकी एक डेट निर्धारित किया जाएगा, आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं, जो भी डेट होगा, सभी यूट्यूबर्स जो जितने भी टीचर हैं जो अपना कोर्स बेच रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोर्स बेचो, ठीक है, लेकिन पहले बच्चों का भी ध्यान रखो कि बच्चे कितना परेशान हो रहे हैं। कोर्स बेचना ही आपका फर्ज नहीं है। बड़े बड़े चैनल जो सिर्फ वेट करते हैं कि वैकेंसी आए, उनके पास टीम होती है और शुरू हो जाते हैं, नहीं, इसके पहले जो बच्चे परेशान हैं, कितनी उनकी प्रॉब्लम है, इनको उनसे जानना चाहिए और उस हिसाब से आपको फिर पहले कार्यवाही करनी चाहिए। आप बच्चों की हेल्प करें, देन आगे जो प्रोसेस हो उसको करें, ठीक है, लेकिन पहले आप सभी लोग आगे बढ़ें, बच्चों की सहायता करें, एक वीडियो सभी लोग बनाएं, ठीक है, एक डेट निर्धारित करें, उस डेट को सभी बच्चों को इकट्ठा करें वहाँ पे और उसका समाधान निकालें, ठीक है। सो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते, जो लोग कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आप सभी लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है, और आपको वहाँ पर डिटेल दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद।